तो स्वागत है आपके मेरे चैनल सस्ती ब्लॉग्स में एक बार फिर से। और अभी मैं मायके हूँ, आज मेरे मायके में है दूसरा दिन और हम जा रहे हैं अभी यहाँ की मार्केट। छोटी सी मार्केट है हमारे मेरे मायके में, ज़्यादा बड़ी है नहीं, कुछ सामान खरीदने। और एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ भी जाएंगे हम दर्शन करने। हम तीन, मेरी भाभी, मेरी दीदी और मैं, और मेरा बेटा अभी घर में है और साथ है दीदी का बेटा, दीदी के साथ। और हेलो गाइज, से हेलो। हेलो, ये है दीदी और ये है भाभी। हेलो हर्षित। और मैं आपको अपना प्राइमरी स्कूल दिखाती हूँ, रुक जाओ। तो बचपन का स्कूल 1 से 5 तक हमने यहीं पढ़ा है। ये रहा, तो काफ़ी यादें ताज़ा हो जाती हैं यहाँ आके, क्योंकि हमने सब भाई बहनों ने यहीं पर पढ़ा है। और ये यहाँ की लोकेशन, मौसम है ऐसा। ये ये हमारे रिश्तेदार से मिलते हैं। हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो रही, कितने साल बाद ऐसा लग रहा है यहाँ आए हैं। ये रहे हम लोग बचपन से यहाँ स्कूल पढ़ते थे, हमारे जंगल भी जाते थे कभी कभी, बाकी नहीं गए हम, कभी कभी जाते थे। तो इसी रास्ते हम अपनी बोझ लेके आते थे सर पे। आज पैदल चलना दुश्वार हो जा रहा है क्योंकि हैबिट छूट जाती है, तो उसके बाद फिर चलना मुश्किल ही होता है। उम्र भी हो गई है बुढ़े भी हो ही जाते हैं। क्या है यहाँ होगा कंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम क्या जो अरे वो खिड़की खिड़की तो सुन अरे खिड़की को कह रही हूँ। ये देखिए कॉटेजेस बन रहे हैं। बड़ा अच्छा बना दिया यार, कैसा था यहाँ। ये यहाँ भी बनने वाला है, जो मेरा मेन मुद्दा है कि यहाँ का भू कटाव जो हो रहा पहाड़ का, ये दिख गया फिर से लोगों को। है ही सुर लग गया है अपनी ज़मीन बेचने का, क्योंकि अच्छे रेट में जा रही है तो बेच दे रहे हैं बाहरी लोगों को। इस तरह से पहाड़ में ऐसे घर बना दे रहे हैं, मजबूत घर और मिट्टी खोद के, तो पहाड़ खोद के बहुत खतरा हो जा रहा है इससे। ये मुद्दा उठ ही जा रहा है आजकल। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा किस तरह से हो रहा था। ये ऊपर देखो, जंगल से लोग ला रहे हैं पिरूल, ना दिख रहे हैं इसमें, तो दिख रही है। न्यायालय की ये क्या है, डिजिटल सेवा कॉमन सर्विस शीशी है। तो क्या और हम पहुंच गए हैं मार्केट, और ये है हमारा स्कूल जो ऊपर से थोड़ा सा दिख रहा है, इंटर कॉलेज है। यहाँ तक, यहाँ से हमने इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करी है सभी भाई बहनों ने। अभी ये मेरी दीदी का बेटा आगे कुछ चल रहा है और पीछे से हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM है। ये यहाँ की फेमस एक दुकान है जहाँ पर सारा सामान उपलब्ध हो जाता है एक ही दुकान पे। और दुकानें छोटी छोटी हैं पर ये थोड़ी बड़ी है, तो इसमें मिल जाता है। औरतें जंगल से घास लेती हुई घर को आ रही हैं अभी, क्योंकि ग्रामीण एरिया है तो यहाँ लोग जंगल से ही घास लकड़ियों की अपनी व्यवस्था करते हैं। ज़्यादा लोग जंगल जाते रहते हैं और घास लकड़ी पत्ते जो भी जानवरों के लिए चाहिए होता है यहीं से लाते हैं। अरे ऊँचू रमेश राम है? और ये रहा हमारा एड़ी देवता का मंदिर, जो हमारे गांव का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है कि अगर इसमें एक कोई दिन होता है साल में, उस दिन भंडारा किया जाता है। कितना भी अकाल पड़ा हो, अगर वो भंडारा हो जाए तो
उसके बाद बारिश ज़रूर होती है, दस्तूर होता है ज़रूर, उसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है चाहे कितनी सूखा पड़े। और हमेशा हम लोग पेपर जब भी हमारे एग्जाम होते थे बोर्ड के या वैसे, हम इसमें अपने हमेशा भेंट चढ़ाते थे और हमेशा देखा है कि उसके बाद रिजल्ट अच्छा ही निकला है। तो आज हम दोनों बहनों को मौका मिला यहाँ दर्शन करने का, दोनों बहनें की यहाँ दर्शन करने, और भाभी ने इसमें मेरी वीडियो बनाई। और उसके बाद हर्षित मेरी दीदी का बेटा वो भी आ गया था दर्शन करने। छोटा सा मंदिर है पर फेमस काफ़ी है क्योंकि मेन जगह पे है, यहाँ पर सभी लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने। इसके बाद ये भी मेरे कॉलेज स्कूल का एरिया है, स्कूल काफ़ी एरिया में फैला है जो कि जगह काफ़ी होती है, तो ये नीचे से लेके ऊपर जो छात्राएँ जा रही हैं, बाकी बाद में बनाया गया है सारा स्कूल का एरिया। तो यहाँ जाके काफ़ी यादें ताज़ा हो गई हमारी पुराने स्कूल के टाइम की, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ जाके, बड़ी खुशी हुई। तो दोस्तों अब हो रही हमारी घर को वापसी, अपने मायके के नैनी अपने आ रहे हैं घर को, थोड़ी शॉपिंग वगैरह करी। और ये यहाँ पर नीचे से गांव है हमारे घर के नीचे, ये लोग आगे को चले गए हैं और मैं जा रही हूँ पीछे से ब्लॉग बनाते हुए। और चलो इसी साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करूँगी, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हो अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।